करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो और दूरी पश्चिम इधर हो गया पश्चिम। ओके, अब जब भी अपने को पूर्व में चलना है तो किधर चलेंगे अपन? जब भी पूर्व की तरफ चलना है तो बायां चलना है। इस कैमरे में शायद उल्टा आ रहा दिखता है, एक सेकेंड। बायां, दायां, ठीक है। अब जब भी अपने को पूर्व में चलना है, पूर्व में चलना है तो अपन कौन सी दिशा में चलेंगे? पूर्व में चलना है तो अपन इस दिशा में चलेंगे, दाएं तरफ स्टार्ट कर दें। राम जी ने उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, उत्तर दिशा में, तो आपको किधर ले जाना? ऊपर ले जाना। राम जी ने दक्षिण दिशा में चलना आरंभ किया तो किधर हो जाएगा? नीचे। राम जी ने पश्चिम दिशा में चलना आरंभ किया, पश्चिम हो जाएगा आपका बाएं तरफ। समझ में आया? ये तो अभी तो अपन ने दिशा देखी थी, एक्चुअल में देखे तो एक्चुअल में उत्तर दिशा इधर, इधर दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। लेकिन अपने जो प्रश्न आएंगे, प्रश्न आएगा तो प्रश्न को अपन इस दिशा के अकॉर्डिंग बनाना है। उत्तर दिशा ऊपर है, नीचे दक्षिण है, राइट एंड दाएं हाथ की तरफ पूर्व है और लेफ्ट हाथ की तरफ है पश्चिम है। इसके अलावा चार उप दिशाएं भी है, इनका भी ध्यान रखना। इस वाली दिशा को उत्तर पूर्व बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। एक इनका नाम भी दे रखा है, उत्तर पूर्व को दे रखा है ईशान। कौन सा नाम दे रखा है? ईशान। ईशान हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया आग्नेय। दक्षिण पूर्व को कौन सी दिशा कहते हैं? आग्नेय। दक्षिण पश्चिम को कहते हैं नैऋत्य। क्या बोलेंगे? नैऋत्य। और उत्तर पश्चिम को बोलेंगे वायव्य। क्या बोलेंगे? वायव्य। वायव्य बहुत इजी नाम है, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ईशान। ठीक है, उतार लो, ये जल्दी से उतार लो, फिर आगे से देखो।
चारों दिशा बना लो। चारों दिशा के बाद में उप दिशा बनानी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व आग्नेय अग्नि कुंड है। उत्तर पश्चिम में वायव्य दक्षिण पश्चिम नैऋत्य क्या कह रहे हो? तालिया बढ़िया के देखो। आप बोले कि राम ने उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया है, तो उत्तर दिशा में किधर ले चलेंगे इनको? ऊपर की तरफ ले चलेंगे, ये ऊपर। अभी राम जी उत्तर में जा रहे हैं। अब बोला कि राम बाएं मुड़ा है, तो बाया अब किधर मुड़ेंगे? तो राम जी का बाया हो जाएगा इधर, तो हो गया बाया। और वो ही बाया न मुड़े उत्तर में जाकर के बोले कि राम उत्तर में चलना आरंभ किया और दाएं मुड़ा, तो दाया किधर मुड़ोगे? तो दाया मुड़ेंगे सर हमें पूर्व की तरफ, इधर हो जाएगा दाया। समझ में आया? उत्तर में चला, उत्तर में बायां भी मोड़ने के लिए बोलेगा या फिर दायां। बायां है तो बायां आपका ये हाथ है, उत्तर में जा रहा है बायां मोड़ दिया, ये मोड़ दिया। दायां मोड़ना है, ये मोड़ दिया। यदि राम जी पूर्व दिशा में चलना आरंभ किया, ये राम जी जा रहे हैं किधर जा रहे हैं? पूर्व में। अब पूर्व में जा रहे हैं और बायां मोड़ने के लिए बोले लेफ्ट टर्न लेना है, तो किधर मोड़ेंगे? ऊपर हो जाएगा। इधर जा रहा है बायां मोड़ना है, तो बायां हो जाएगा ऊपर। तो बायां मोड़ना है तो बायां तो हो जाएगा, बायां हो गया सर ऊपर। और दायां मोड़ना है तो किधर मोड़ोगे? दायां मोड़ना है तो सर नीचे हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है जी। वही राम जी अपने पश्चिम दिशा में जा रहे हो, पश्चिम में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, तो पश्चिम इधर ही। अब यदि बायां मोड़ना है तो किधर हो जाएगा? तो बायां मोड़ना तो सर बायां नीचे है, और यदि दायां मोड़ना है, दायां मोड़ना तो किधर मोड़ोगे? ऊपर। ठीक है जी, दायां ऊपर है। वही राम जी पश्चिम में ले जाकर के दक्षिण में जा रहे हो, ये लो राम जी दक्षिण में जा रहे हैं, और अब इनको किधर मोड़ना है? बायां। बायां किधर होगा? किधर मोड़ो? किधर? बायां बोला दायां बोला? बायां। उधर उधर ही जाएगा। चलो तो ये बायां हो जाएगा उसका इस टाइप, इस दिशा में। इधर ही अभी सही है मच्छेंद्र नाथ जी। और दायां टर्न लेना हो तो दायां अभी नीचे जा रहा है, दायां टर्न लेना तो इधर मोड़ेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका दायां इस साइड। समझ में आया? ठीक है। अभी तो अपन ने क्या देखा?
अभी तो अपने दिशा में चलना स्टार्ट करवाया था, राम जी यदि उत्तर में जाए, राम जी दक्षिण में जाए, पूर्व में जाए, चाहे राम जी अभी पड़ेगी दो है। चलो अब अपन कौन कौन से टाइप देखेंगे, टाइप बता दूं मैं पहले, बीच में यदि मैं छूट जाए तो आप कह देना कि सर ये टाइप रह रहा है, वो बताना। आपसे पूछेंगे तो नहीं कि ये प्रश्न कौन सी टाइप का है, ये तो नहीं है। लेकिन जब भी प्रश्न आप सोल्व करो, प्रश्न सोल्व करते तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये उस टाइप का प्रश्न है ना। टाइप जानने से ये नहीं, मस्त नहीं, टाइप जानने से ये रहता है कि जब भी आप पूछना होता था आप पूछ सकते हैं सर वो फलानी टाइप का, वो डिन की टाइप का है ना। टाइप पता नहीं रहता था, सर एक प्रश्न देखियो, अच्छा कौन सी टाइप का बेटा, वो थे, वो कह रहे ना उधर मोड़ा उधर मोड़ा, ऐसा न कह करके टाइप बताओगे सर कि भाई दिशा वाला है, दूरी वाला टाइप का है, कि कौन सी जो टाइप का है वो आप बता दो। हाँ आ जाओ यार, मुर्गा बना दूं कल से, मुर्गा बनेगा भाई यदि बोले। हाँ पहला टाइप है कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। एक सर को दिया, अंतिम स्थिति की दिशा बतानी कि कौन सी दिशा में जा रहा है। वर्तमान दिशा दे रखी होगी, वर्तमान नहीं लिखते अपन, लिख लेते हैं प्रारंभ दिशा दे रखी। प्रारंभ में आपको क्या दे देगा, दिशा दे देगा, और अंतिम में दिशा बतानी कि कौन सी दिशा में जा रहा है। राम उत्तर में चलना आरंभ किया, बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, बताओ अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, ओके। सीधा सीधा कहेगा कि कौन सी दिशा में जा रहा, एक तो यह टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप देखेंगे, आपको अब के उल्टा दे देगा। राम ने अपने घर से निकल कर सीधा चला, बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा बाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा, और अंत में वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो बताओ उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया। आपसे क्या पूछेंगे, प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा पूछेगा कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। एक ये टाइप देखेंगे, एक टाइप देखेंगे अपन आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा, अंतिम स्थान की दिशा ये टाइप देखेंगे। एक देखेंगे अपन अंतिम स्थान से हाँ प्रारंभिक स्थान या आरंभिक स्थान की दिशा, दोनों दिखने में एक जैसे थे लेकिन यहाँ पे बहुत सारा अंतर यहाँ देखने को मिलेगा। चले आगे, कितने टाइप हुए, चार। एक अपन बात करेंगे न्यूनतम दूरी, एक बात करेंगे अपन अधिकतम दूरी, एक बात करेंगे कोण पर 45 डिग्री घूमना, 90 डिग्री घूमना, 180 डिग्री घूमना, कोण पर यानी डिग्री में टर्न लेना, द टर्न ऑफ डिग्री। एक टाइप रहेगा आपका कोण वाला हो गया, परछाई वाला देखेंगे अपन, परछाई की बातें करेंगे, परछाई में भी दो समय की बातें करेंगे, एक तो सूर्योदय के समय की बात करेंगे और एक सूर्यास्त के समय की बात करेंगे।
एक अपन रेलगाड़ी का धुआं की बात करेंगे, कभी कभी इसका भी प्रश्न आ जाता है, रेलगाड़ी जा रही है धुआं किधर निकलेगा। हालांकि आपने तो नहीं देखी होगी धुआं वाली रेलगाड़ी, आजकल तो लाइट वाली चल रही है। चलिए आगे, किसकी बात की थी मैंने, धुआं वाला। फिर एक टाइप देखेंगे अपन धुआं के बाद में, किसको ले लेते हैं, किसी वस्तु के सापेक्ष, जैसे गांव बी, गांव सी के पूर्व में है, डी के दक्षिण में है ना, किसी वस्तु के स्थिति के सापेक्ष, ये टाइप देखेंगे। इसके बाद देखेंगे संकेतु पर आधारित, संकेतु पर आधारित कतरा टाइप हो जाए, दस टाइप। ये दस ही टाइप यदि ध्यान समझ लियो ना, यूं बाहर न जा पाओ, हाल तक तो नहीं है, मतलब आराम से आप कर सकते हैं, बोले टप से टप प्रश्न आ जाए तो भी आप उसको आराम से कर लोगे। ये सारे टाइप अपने समझ में आया हुआ होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अपन इग्नोर कर देते हैं, है ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो जो इग्नोर कर देते हैं ना वही समस्या खड़ी हो जाती है। आरंभिक स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा ज्ञात करो, प्रारंभिक स्थान से आरंभिक स्थान की दिशा ज्ञात करो, ये दोनों बातें अलग अलग दिशा में होते हैं। अभी उत्तर भी आ रहा, कभी दक्षिण भी आ रहा, तो ऑप्शन में उत्तर भी मिलेगा और दक्षिण भी मिलेगा। चलो ध्यान से उनको समझेंगे, ठीक है। पहला कौन सा देखते हैं, आरंभिक दिशा से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात करना। टाइप कौन कौन से हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, टाइप में लिखने के क्या, एक एक टाइप का वैसे अपन लिखेंगे डिटेल से सारे प्रश्न। हाँ हाँ, पहला टाइप के अपन पढ़ रहे हैं, आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात करना। लिखो प्रश्न, लिखो प्रश्न, लिखिए बोलो, लिखो। राम उत्तर में 10 किलोमीटर चलना आरंभ किया, उत्तर में चलना आरंभ किया, या राम उत्तर में 10 किलोमीटर चला, राम उत्तर में 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला अंत में दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में आपके काम, किस दिशा में जा रहा, समझिए।
हाँ समझो भाई, जिसके सभी को समझना है, आ रहा तो भी बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो भी आपको समझो, समझेंगे तभी आगे बात बनेगी। राम जी कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किस तरफ है? उत्तर दिशा सर ऊपर की तरफ है। उत्तर में ले चले, कितना चला? 10 किलोमीटर चला। ये 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, बाया किस तरफ होगा? बाया हाथ कौन सा आपका? यही है, तो बाया मोड़ा, इसको बाया मोड़ दिया। ये कितना चला? 5 किलोमीटर। तो मैंने चला दिया इसको ये 5 किलोमीटर। अब वापस बाया किधर होगा? बाया नीचे, अभी जा रहा बाया हो गया नीचे। नीचे कितना चला? 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर कितना चला था? 3 हो गया। अब दाया, अभी दक्षिण में जा रहा है, तो दाया किस तरफ होगा उसका? दाया आती है नीचे जा रहा है, तो उसका दाया हो जाएगा इस साइड। ये आया समझ में? नहीं आया अभी? आ गया। तो अभी कौन सी दिशा में जा रहा है? ये आंसर हो जाएगा सर पश्चिम दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। दूसरा तरीका ये देखो, सबको समझना भाई, जब आपको शुरू की दिशा दे रखी है और अंत में कौन सी दिशा में जा रहा, वो कहीं गायब हो गया दिखता, कौन सी दिशा में जा रहा लिखा हुआ क्या होना चाहिए? कौन सी दिशा में जा रहा है, या उसका मुख कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में मुख है या कौन सी दिशा में जा रहा। तब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि टोटल कितनी बार तो लेफ्ट टर्न लिया और कितनी बार राइट टर्न लिया। इस क्वेश्चन में कितनी बार तो बाएं मुड़ा है और कितनी बार दाएं मुड़ा, कितनी बार मुड़ा? बाया कितनी बार? दो बार है। उत्तर में तो चलना स्टार्ट किया था सर? उत्तर में तो चला था एक बार बाया, दो बार बाया और एक बार दाया। टोटल उसने दो बार तो लेफ्ट टर्न लिया और एक बार राइट टर्न लिया। दो बार तो बाएं मुड़ा है और एक बार दाएं मुड़ा है। मैं यहां लिख दूं क्या? दो बार तो लेफ्ट और एक बार राइट। दो लेफ्ट में से मैं एक राइट लेस कर लूं तो कितना बचेगा? एक लेफ्ट बचेगा सर, एक लेफ्ट बचेगा, एक यहां पे लेफ्ट बच रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि उत्तर में जा रहा था तो इसको मैंने कहां भेजूंगा? वापस उत्तर में ही भेजूंगा। चल भाई, तो उत्तर में जा रहा था, उत्तर में चल, एक जो आपके क्या बच रहा है? लेफ्ट है, तो एक बार लेफ्ट ले लेते हैं। ये एक बार लेफ्ट टर्न लिया और इधर कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा आ गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम। समझ में आया? उतारियो। चाल बाय चार तालिया ना ना जुकाम ना लाग। लो उतार लिया, तो अगला देखे कर लिया। अगला प्रश्न लिखो, शॉर्ट में लिख दूं क्या? शॉर्ट में लिख देता हूं। आपको ले जाना है पूर्व में,
पूर्व में ले जाना है और फिर पांच बार तो मोड़ना है दायां और तीन बार मोड़ना है बायां। पांच बार तो दायां और तीन बार बायां। बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है। सभी के निकालने दो, निकालने दो, सबके आंसर आने चाहिए। देखें नहीं आया। समझो कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया। पूर्व में चलना आरंभ किया है। पूर्व दिशा आप कॉपी में बना लो, उत्तर दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इधर पश्चिम, ये होगी पूर्व दिशा में चलना आरंभ किया, यानी इस दिशा में चलना आरंभ किया, ये इधर चल गया। अब कह रहा है कि पांच बार तो दाएं, तीन बार बाएं, पांच दाएं में से तीन, पांच दाएं में से तीन बायां घटाओ, घटाते तो कितने बचेंगे, दो राइट, दो राइट बचेगा। दो बार आपको राइट टर्न लेना है, ये पूर्व में है, दो बार दायां मोड़ना है। पहला दायां किस तरफ होगा, दायां किस तरफ मुड़ेंगे, दायां नीचे, तो पहला दायां तो हो गया नीचे, एक बार तो ये हो गया। अब ये अभी नीचे जा रहा है, उसका मुख है अभी दक्षिण में, अभी मुख किधर है, दक्षिण में, फिर एक बार टोटल दो बार दायां मोड़ना है अपने को, दो बार दायां मोड़ना, एक बार और मोड़ो दायां, किधर मोड़े, इधर इधर मोड़ो, इधर तो बायां हो जाएगा, अपने को मोड़ना दायां, तो उसका मुख हो जाएगा इधर, है ना। तो बताओ अभी उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी दो राइट आ जाए या दो लेफ्ट आ जाए, दो राइट आ जाए या दो लेफ्ट आ जाए, तो जो दिशा दे रखी है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है यदि दो लेफ्ट या दो राइट बच रहे हैं। यदि दो बार राइट भी मोड़ते ना अपन लेफ्ट में, पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, यदि दो राइट या दो लेफ्ट आ रहा हो, उत्तर है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण, पूर्व है तो पश्चिम, दक्षिण है तो पूर्व है तो पश्चिम, और पश्चिम है तो पूर्व हो जाएगा। समझ में आया, चले आगे। चल ये देखे दो प्रश्न है, निकाल देखे जल्दी से। पहला दूसरा जल्दी से निकालो। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर अपने बाएं ओर मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सबके निकलने दो, सबके आंसर आने दो। पश्चिम आ रहा, सबके पहला समझिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर
अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अभी कौन सी दिशा में वह जा रहा है? तो चलना किस दिशा में आरंभ किया था? अरे चलना कौन सी दिशा में आरंभ किया? उत्तर में, उत्तर में चलना आरंभ किया है। बाकी की ये रामायण को मैं क्या कर देता हूँ, ये लाइनों को मिटा देता हूँ और उत्तर दिशा में इसको ले चलता हूँ। यहाँ दिख जाएगा, ये उत्तर दिशा में चला। अब टोटल कितने बार लेफ्ट और कितने बार राइट टर्न लिया इन्होंने? कितने बार तो बाएं मुड़ा और कितने बार दाएं मुड़ा? ये प्रश्नों में ध्यान रखना है, एक भी बाया दाया चूक गए, हाँ तो आंसर उन को गलत हो जाता है। शॉर्टकट में यही होता है, एक भी दाया बाया यदि चूक गया आंसर आपका अलग आएगा। ऑप्शन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों रहेंगे, आप एक भी चूक गए तो आंसर अलग आएगा, जो भी आएगा वो ऑप्शन में मिल जाता है। हाँ तो उत्तर दिशा में चला, वो अपने बाईं ओर मुड़ा, एक बार तो बाया ये है, फिर वह दाया मुड़ा, दाया आ गया है, फिर वह बाएं मुड़ा, यानी यहां पर दो बार तो लेफ्ट है और एक बार राइट है। कुल कितनी बार बाएं मुड़ रहा है? दो बार बाएं मुड़ रहा है और एक बार दाएं। दो बार लेफ्ट में से मैं एक राइट लेस कर दूं, दो बाया में से एक दाया घटा देता हूं, तो क्या बचेगा ये मेरे? क्या बचेगा? एक लेफ्ट, लेफ्ट बचेगा, एक लेफ्ट बचेगा। क्या बचेगा? एक लेफ्ट बचेगा। अब एक लेफ्ट बचेगा, उत्तर दिशा में जा रहा था तो बाया किधर हो जाएगा? इधर, उत्तर में जा रहा था, बाया इधर मुड़ेगा, बाया हाथ उसका ये है और इधर कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा। तो अभी कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम। यह आंसर आ जाए, उसका मुख कौन सी दिशा में है? क्या बताओगे? पश्चिम दिशा। समझ में आया सबके? किस किस के नहीं आया? नहीं आया? उत्तर में जा रहा, फिर बायां टर्न लेना, किधर मुड़ेगा? तो उत्तर दिशा, अपन दिशा क्या बनाई थी? उत्तर दिशा ऊपर बनाई थी, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व है और इधर पश्चिम, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? सबके आ गए भाई? चलो तो दूसरे में देखते, देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अभी दक्षिण में जा रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? सब निकालो, सब कॉपी में सोल्व किया होना चाहिए, देखने से सोल्व नहीं था, कॉपी में सोल्व करना पड़ता। कहाँ किया बता देगा? पश्चिम, यस। कितनी बार दाएं मुड़ा? एक तो दक्षिण दिशा में चला था, दक्षिण दिशा में चला था, एक दाएं मुड़ा, सेकंड दाएं मुड़ा, फिर लास्ट में बाएं मुड़ा, यानी यहां पर दो बार तो दाएं मुड़ रहा है और एक बार बायां मुड़ रहा है। दो दायां में से एक बाया घटा लीजिए, क्या बचेगा? एक एक राइट बचेगा, दाया बचेगा। भाई साहब कौन सी दिशा में जा रहा था? दक्षिण दिशा। किधर है, किधर है आपके? नीचे, नीचे की तरफ ये जाएगा। अब ये दक्षिण में जा रहा और टर्न किधर लेना है? दाया का बाया, अपने दाया बच रहा था, बाया बच रहा था, दाया, दाया किधर होगा? अब अभी नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो दाया हाथ है आपका ये, तो इधर टर्न लेगा, इधर टर्न लेगा, तो इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम।
तो आंसर हो जाएगा आपका पास। एनी डाउट? सेल गो? तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बोल रहा है, मोहन अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर पूर्व में सीधा चलता है। विद्यालय से 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, विद्यालय से निकला पूर्व, जहां भी विद्यालय है ये विद्यालय, यहां से पूर्व में चल रहा, ठीक है। फिर दाएं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, बताओ अब किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर जा रहा है? किधर? दक्षिण। हाँ राजू कॉपी बता, कहाँ सुन के? हाँ भाई कौन सा आया? दक्षिण। कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था? पूर्व में, और दाया कितनी बार है? एक तो दाया यहाँ पे, फिर दाया यहाँ पे, और फिर बाया, दो दाया और एक बाया, दो दाया में से एक बाया घटा ले तो क्या बचेगा? एक राइट दाया बचेगा, ठीक है। चला कौन से? पूर्व में, तो ये पूर्व, ये इस दिशा में जा रहा, और किधर टर्न लेना है? राइट, दाया, तो दाया किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ, दाया नीचे। तो अब बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण। कौन सी दिशा में है? दक्षिण। या तो यूं पूछ ले कि कौन सी दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण में जा रहा है, या उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो क्या बताओगे? दक्षिण दिशा में उसका मुख है। समझ में आया? ये तभी करना, ये वाला टाइप, मतलब इस प्रकार से, कब? जब या तो पूछे कि वो लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, या उसका मुख कौन सी दिशा में, वर्तमान में उसका मुख कौन सी दिशा में, तो आपको इस टाइप से सोल्व करना। हाँ, या पूरे को सोल्व करके बताऊं क्या? पूर्व में ले चले और नहीं बताना किसी को, बताओ, बता रहा हूँ। वाह, प्रश्न लिख लिया, कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया? ओ बाबू, कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया? पूर्व में। प्रश्न में क्या लिखा हुआ था, तो फिर आपको कैसे आंसर आया था, आपके आंसर कैसे आ गया था? तो कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा है? देख, एक तो पूर्व दिशा में चलाना इनको 2 किलोमीटर, याद रखना, पूर्व में 2 किलोमीटर, फिर दाएं मोड़ना 1 किलोमीटर, फिर दाएं मोड़ना 1 किलोमीटर, फिर बाएं मोड़ना 3 किलोमीटर, ओके। हाँ ले चलो भाई, कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया? पूर्व में। पूर्व किधर? इधर ही है, ले चलो, ठीक है। कितना चला? 2 किलोमीटर। अब किधर मुड़ा? दाया। दाया किधर होगा? नीचे। कितना? यूं कमी ले चलते, ये 2 है तो इसका आधा 1 ही है, ठीक। फिर दाया किधर होगा? दाया नहीं आ रहा, अरे तो यूं बोले ना तो नहीं आ रहा। कॉपी दे, वीडियो को टाइम बढ़ जाए, अरे यूं हो रहा। अच्छा, झटके का बस, थैंक यू। बैठ, कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया? पूर्व में। दिस उत्तर, दिस दक्षिण, दिस पूर्व एंड पश्चिम, यहां तक ठीक है। किधर चला? पूर्व। किस साइड में है? इसमें बताना, इधर ही है, ये लो जी, ये लो। कितना चला? 2 किलोमीटर। अब आपका मुंह की तरफ, आपका मुंह इधर रखो, देखिए यूं रो,
इधर ही आपका मुंह है, किधर मोड़ना है इसको? दाया 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 हाथ कौन सा आपका? दाया 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 पक्का? एक किलोमीटर, ये एक किलोमीटर, ठीक है। अब आपके मुंह की तरफ कर लो, ये इधर, अभी उसका मुंह इधर है, ठीक है। दाया मोड़ना, दाया किधर है? इधर ही, कितना? एक, ये एक, ये एक हो गया, ये लो जी आपके मुंह की तरफ। अब मोड़ना इसको बायां, बायां हो गया इधर, कितना? 3 किलोमीटर। बताओ भाई साहब कौन सी दिशा में जा रहे हैं? ये इधर नीचे जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। थैंक यू बोले ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप का, एक टाइप फिर बाद में और देखेंगे। लो चौधरी का निकालो, देखे आंसर पहले निकाल लिया था, बहुत होशियार हो गया इधर सर। एक बिंदु ए से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बिंदु बी तक पहुंच जाता है। ऐसे दक्षिण में चला 2 किलोमीटर, बिंदु बी पर पहुंच गए, वहां से बाईं ओर घुमा और 4 किलोमीटर चला, 80 पर पहुंच जाता है। वहां से दाईं ओर घूम कर 4 किलोमीटर चला और बिंदु वाई पर पहुंच जाता है, तो बताओ उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण। कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था? दक्षिण। कितनी बार बाएं मुड़ा? बाएं एक बार ही, और एक बार दायां। हाँ, एक और ध्यान रखना, जब 2 बार बायां हो और 2 बार दायां, 2 लेफ्ट में से 2 राइट गए तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब हो गया वही दिशा, वही दिशा जिस दिशा में चलना आरंभ किया था उसी दिशा में उसका मुख है। 2-2 हो, बोले एक एक हो, 1 लेफ्ट और 1 राइट हो, 1 लेफ्ट और 1 राइट हो, तो भी क्या हो जाएगा? 0। और 0 होते आपको ध्यान रखना है वापस वही दिशा, ठीक है। समझ में आया सबके? तो अभी अपन ने कौन सा टाइप देखा था? घर पे पूछेंगे आज रीजनिंग में क्या पढ़ गया है, क्या बताओगे? प्रारंभिक स्थान की दिशा ज्ञात हो और अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात करनी, अभी उसका मुख्य कौन सी दिशा में जा रहा है ये अपन ने सीखा। अब टाइप देखते हैं कि आपको शुरू में कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया वो नहीं दे रखा हो, और लास्ट वाली दिशा दे दी, बायां दायां जितनी बार मोड़ना, मोड़ मुड़ा करके लास्ट में कह देगा कि इस समय राम दक्षिण में जा रहा है, राम जी दक्षिण में जा रहे हैं, तो बताओ राम जी ने चलना कौन सी दिशा से आरंभ किया था? बता दूं आपको? चल नहीं भाई, ज्यादा हो गया और तो फिर ऐसा हो जाए कि सर हमने आज तो बहुत सारे प्रश्न देख लिया, ज्यादा हो जाएंगे। बताइए ना टाइम क्या हो गया? 3 बजे। हाँ ये देख, लिखो देखो जल्दी, एक क्वेश्चन लिखो फुर्ती, लिखो लिखो लिखो। राम अपने घर से निकलकर सीधा चला, राम इज गोइंग ऑन हिज घर सीधा चली, राम अपने घर से निकल करके सीधा चला, क्या पता हो तो पता ही नहीं। 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर सीधा चला, राम 3 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर सीधा चलने के बाद बाएं मुड़ा,
बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, हाँ बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, अंत में दाएं मुड़ा, अंत में दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला। यदि वह इस समय, यदि वह इस समय पश्चिम की ओर जा रहा है, यदि इस समय वह पश्चिम की ओर जा रहा है तो राम ने किस दिशा में चलना आरंभ किया, राम ने किस दिशा में चलना आरंभ किया, किस दिशा में चलना आरंभ किया, राम जी कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया, समझो। अब यहां पे आपको लास्ट की पोजीशन दे दी थी, लास्ट में या तो कह देगा कि उसका मुख अंत में पूर्व में है, दक्षिण में, पश्चिम में, जो भी है फलाना दिन का, और कहेगा कि कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया। तो एक तो तरीका है कि आप लास्ट से शुरू करो, भाई लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, भाई साहब लास्ट में पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है तो ये पश्चिम में बना दिया, इधर ही जा रहा है अंत में। जब लास्ट में पश्चिम में जा रहा है उससे पहले उसने टर्न किधर लिया था, दाएं सा, दाएं टर्न लिया, तो मैं यहां इसको बायां टर्न दे देता हूं, ये नहीं, वो दक्षिण में जा रहा था, पश्चिम में जाने से पहले, पश्चिम में जाने से पहले वो कौन सी दिशा में जा रहा था, दक्षिण में जा रहा था, दक्षिण में जा रहा था, और दक्षिण से उसने दाया टर्न लिया और कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। जब वो लास्ट में जो दाया टर्न लिया था उससे पहले उसने बायां टर्न लिया था, यानी वो कौन सी दिशा में जा रहा था, तब वो पश्चिम दिशा में जा रहा था। अब इस 2 मिनट, हाँ पश्चिम में जा रहा था तो उसने बायां टर्न लिया, जब पश्चिम में जा रहा था उससे पहले भी किधर टर्न लिया था, बायां टर्न लिया था, तो वो कौन सी दिशा से चल रहा था, उत्तर दिशा में आ रहा था, यानी उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और लास्ट में कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। समझ में ये नहीं आया होगा, नहीं आया, नहीं आता, मुझे पता नहीं आएगा फिर भी एक टाइप ये तरीका बताना पड़ता। अब समझो आप, जो याद रहे जैसा, पहले वाले में क्या कर रहे थे अपन, यस सुन रहे, पहले क्या कर रहे थे, ये निकाल रहे हैं कि अपन क्या कर रहे थे कि टोटल बायां दायां दोनों को जोड़ा घटा करके, जो बायां बच रहा तो बायां टर्न दे देते थे और दायां बच रहा था तो दायां टर्न देते थे, यही करते आ रहे थे। लेकिन अब की बार यहां पर स्थिति उल्टी है, स्थिति उल्टी यह है कि अंतिम पोजीशन दे रखी है, लास्ट वाली जो पोजीशन है वो दिशा दे रखी है और शुरू वाली अपने से पूछ रहा है। तो चलो, बायां कितनी बार मुड़ा जी, बायां 2 बार, दायां कितनी बार है, 2 बार बाएं और 1 बार दाएं, 2 लेफ्ट में से मैं 1 राइट घटा देता हूं,
क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा, राइट लेफ्ट ही बचेगा। ये लेफ्ट बच गया, ये लेफ्ट बच गया। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा था? पश्चिम दिशा में जा रहा था, ये पश्चिमी जा रहा है, पश्चिम में जा रहा तो पश्चिमी जा रहा। अब यहां पे यदि लेफ्ट बचा है, ये उल्टा पूछ रहा तो आपको भी उल्टा जवाब देना। ये उल्टा पूछा ना कि लास्ट वाली दिशा देख करके शुरू की दिशा पूछी थी, उल्टा पूछ रहा है तो आपको भी उल्टा ही जवाब देना। ये लेफ्ट है तो आपको किधर टर्न लेना? राइट, और राइट है तो लेफ्ट टर्न लेना है। अभी यहाँ पे क्या बच रहा है? लेफ्ट बच रहा है, तो ये पश्चिम में जा रहा है, इसको बोलेंगे थोड़ा और चल, चला चल, और फिर किधर टर्न दे देंगे? राइट में, राइट में टर्न दे देंगे। लेफ्ट बचा तो किधर टर्न देना? राइट में, और राइट बचा तो लेफ्ट में। अब बताओ ऊपर कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया? उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। समझ में आया सबके? चलो एक किसने और लिखो, देखो चटकी इन्हें उतारोगी? उतारियो उतारियो। क्या कौन सीख रही है? हमारा चेहरा ही ऐसा रहता है। राजू उतार ले। चले अगला, अगला प्रश्न देखे, देखो देखिए अगला प्रश्न। शॉर्ट में लिख दूं? शॉर्ट में लिख देता हूं। राम अपने घर से सीधा चला, राम अपने घर से निकलकर सीधा चला, वो तीन बार तो बाएं मुड़ा, तीन बार तो बायां मुड़ा, और रास्ते में वो चार बार दाएं मुड़ा, चार बार दाएं मुड़ा। कुल तीन बार तो बाएं मुड़ा और चार बार दाएं मुड़ा, और अंत में पूर्व में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया? उत्तर आ रहा, कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया? सबके निकाल, सबके आना दो आंसर। क्या आया उत्तर? आ रहा भाई अपने पीछे, कहीं आ रही हो? यस, किस दिशा में चलना आरंभ किया ये पता नहीं है? घर से निकला, रास्ते में तीन बार तो बायां मुड़ा और चार बार दायां मुड़ा, और अंत में वो पूर्व दिशा में जा रहा, कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था? तो अपन जैसे मैंने बताया था कि तीन बार बायां और चार बार दायां, चार दायें में से क्या कर लेते हैं? चार दायें में से तीन लेफ्ट घटा लेते, तो क्या बचेगा? चार में से चार कर दो, कई फर्क पड़ जाए, चार दायें और अब जाबा को टेम है ये। एक राइट बच रहा, लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व में, पूर्व दिशा में जा रहा है, और आपके एक राइट बचा है, किधर मोड़ोगे? लेफ्ट मोड़ोगे। ध्यान रखना इधर ही मोड़ना, ये मुंडा दाना मत मोड़ दीजिए,
ये मुंडा पे मोड़ दे तो गलत हो जाए, ये इधर जा रहा है और राइट बच रहा है तो आपको क्या करना है, दायां। ठीक है, वापस समझ लीजिए, पूर्व दिशा में जा रहा लास्ट में तो पूर्व दिशा में चलाना इसको, और राइट बचा हुआ तो आप किधर टर्न दे दोगे, लेफ्ट में टर्न दे दोगे। चले एक तो अगला प्रश्न लिखो देखे। हेलो 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 जल्दी से निकलो। दोनों निकालना, पहला दूसरा। राम क्या बोला, आंसर ना निकले यार। राम 10 किलोमीटर चलता, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता, फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता, पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता। अगर वह दक्षिण पूर्व में जा रहा है तो कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया, उत्तर पूर्व। कितनी बार बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, दो बार तो दायां, एक बायां, दायां, दायां, दो बार तो सर यहां पे दायां और एक बार यहां पे बायां, क्या बचेगा, एक राइट बचेगा। और लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा था, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा। दक्षिण पूर्व दिशा किधर होती है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब कौन सी दिशा के लिए बोला था, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सी, ये वाली दक्षिण पूर्व इधर। लास्ट में वह दक्षिण पूर्व में जा रहा है, अपने क्या बचा था, राइट बच रहा था, तो टर्न लेंगे अपन लेफ्ट में, लेफ्ट में टर्न लेना, बायां मोड़ना। तो अभी वो इधर जा रहा है तो बताओ बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा इस साइड में, 90 डिग्री भी मोड़ना। ये बताओ ये कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा आती है, उत्तर पूर्व, कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा में वो चलना। क्यों राइट जाना हो तो उल्टा नहीं बताते, दक्षिण पश्चिम आता, फिर तो दक्षिण पश्चिम आता, फिर ये तो शुरू की दिशा दे रखी होती, शुरू में दक्षिण पूर्व में चलना आरंभ। समझ में आ गया भाई, ठीक है, तो आगे वाला को भी निकाल लोगे। चलो लास्ट प्रश्न आज का दूसरा, जल्दी से बता दो देखिए इसका आंसर, फिर चलते हैं। लो निकाल देगा, मोहन 10 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं और घूम जाता है, 20 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं और मुड़कर 25 किलोमीटर चला। अगर वह इस समय उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया, तो शुरू की दिशा नहीं दे रखी, शुरू की दिशा पूछ रहा, लास्ट वाली पोजिशन आपने दे रखी है, लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, किस दिशा में चलना उसने आरंभ किया। तो घर से निकला, एक बार तो दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, यानी तीन, दो बार तो यहां पे दायां, दो बार तो दायां है और एक बार यहां पे बायां है, दो बार तो दायां, एक बार बायां, बच जाएगा यहां पे कितना बचेगा, सर एक दायां बच जाएगा। लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा था, उत्तर पश्चिम में जा रहा,
उत्तर पश्चिम किधर? इधर। उत्तर पश्चिम दिशा यही है, तो ये चला। क्या बच रहा था आपके? राइट बच रहा, राइट बच रहा, राइट बच रहा, तो अपने लेफ्ट मोड़ देंगे। लेफ्ट मोड़ो, देखो लेफ्ट किधर होता है? इधर, इधर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आया समझ में? तो और बाकी के बचे हुए जो टाइप है वो अपन कल देखेंगे। आज दिशा में समझाने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो मिलेंगे वो अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ जी, हाँ जी।